कहा जाता है कि जीवन में गुरु का होना अति महत्वपूर्ण है। गुरु को भगवान से भी बड़ा माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार गुरु दो शब्दों से मिलकर बना है। गु से तात्पर्य अंधकार और अज्ञान से है तथा रू से तात्पर्य दूर करना या हटाना। हमारे जीवन में अज्ञानता के अंधकार को दूर करने के लिए गुरु का होना जरूरी है। गुरु पूर्णिमा पर्व के महत्व की जानकारी समाज सेवी के एस चौहान ने कुछ इस प्रकार से दी। भगवान श्री कृष्ण के पास ये दोनों पहुंचते हैं, अर्जुन और दुर्योधन, युद्ध के लिए सहायता मांगने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण अपने संसाधनों को दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, एक एनर्जी के रूप में और एक एक्सपीरियंस के रूप में। उनकी नारायणी सेना एनर्जी के रूप में होती है और वो खुद निहत्थे एक्सपीरियंस के रूप में होते हैं। अर्जुन नारायणी सेना चुन सकता था, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण को चुना, एक्सपीरियंस को चुना, क्योंकि वो जानता था कि बिना एक्सपीरियंस के, बिना मार्गदर्शक के कोई भी काम व्यर्थ होता है, उसका कोई औचित्य नहीं होता। एनर्जी जितनी मर्जी लगा ले, लेकिन अगर उसको मार्गदर्शन नहीं है, अगर उसको एक्सपीरियंस नहीं है, अगर उसमें गाइडेंस नहीं है, तो वो कुछ नहीं, वो व्यर्थ है। वैसे ही हमारा जीवन अगर बिना गुरु के, बिना मार्गदर्शक के व्यर्थ है। ये गुरु किसी भी रूप में हो सकता है, हमारे माँ बाप, भाई बहन, दोस्त यार या अपरिचित, किसी भी रूप में हो सकता है। बस ये है कि हम एक सही गुरु का चयन करें और उनके मार्गदर्शक पे दर्शन में चले। इसी कामनाओं के साथ आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।